हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ए आर वी ब्रदर्स। तो भाई आज इस वीडियो में मैं 3 साढ़े 3 या 3 4 टॉपिक पे बात करूँगा। पहली टॉपिक है हमारा वाइब्रेशन, बाइक में वाइब्रेशन क्यों होती है, रीज़न क्या क्या होते हैं उसके ऊपर बात करूँगा। दूसरा टॉपिक है हमारा बबलिंग, गाड़ी बबलिंग क्यों करती है उस बबलिंग के ऊपर मैं बात करूँगा, क्यों होती है, रीज़न क्या है और उसको सही कैसे करेंगे। और तीसरा टॉपिक है हमारा गाड़ी में टैपेट लूज़ करने हैं या टाइट करने हैं, कैसे पता करें, हमें कैसे पता लगेगा कि गाड़ी में टैपेट लूज़ करने हैं या टाइट करने हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन दबा बगल में आ रहा होगा दबा देना। और लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही बहुत सारी हमारे पास आती रहती हैं इस चैनल के अंदर, तो जल्दी फटाफट से उस पर विजिट कर लेना। मिलते हैं वीडियो के अंदर। वाइब्रेशन क्यों होती है आखिर, मान लो आपकी गाड़ी है, मैं कुछ इस पर टॉपिक बताऊंगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसको नोटिस करना और अपनी बाइक में अप्लाई करना अगर आपने कभी नहीं किया है तो। ठीक है, मान लो आपके पास एक मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल का नाम है TVS स्टार सिटी। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल सभी में अप्लाई होगी ये जो मैं आपको बताऊंगा इस पर। ठीक है, तो वो स्टार सिटी गाड़ी के फाउंडेशन के बोल्ट जो होते हैं, इंजन के जो बोल्ट होते हैं जिस पर इंजन टिका होता है उसके बोल्ट हो गए लूज़, तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी, वाइब्रेट करेगी आपकी गाड़ी ज़्यादा। ठीक है, अगर उसकी फुटरस की रॉड जो होती है, फुटरस की रॉड के बोल्ट लूज हो गए होंगे 12 नंबर के, तो भी आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप समझना बात को, अगर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें खराब हो गई हैं, फूक गई हैं, तो भी आपकी गाड़ी की जो वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा रहेगी। रीज़न मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूँ पॉइंट। ठीक है, तो ये जो होते हैं काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं। अगर मान के चलो आपकी गाड़ी की जो टंकी होती है उसकी टंकी का बोल्ट एक लूज हो गया होगा तो भी आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करेगी। अगर टंकी के नीचे वो रबड़ जो लगती है वो रबड़ नहीं लगी हुई है या लूज हो रखा है बोल्ट, या स्पीड पिन वाली जो टंकी का सिस्टम दे रखा है, तो भी आपकी गाड़ी वाइब्रेट करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या होता है, क्यों करती है वाइब्रेट इंजन के बोल्ट लूज होने पर। देखो, आपकी गाड़ी 100 CC की है, ठीक है, यानी नॉर्मली 1 मिनट में जो गाड़ी स्टार्ट रहती है तो आपकी गाड़ी मिनिमम राउंड पिस्टन के ऊपर नीचे 1000 लेती है राउंड। ठीक है, अब इतना बड़ा इंजन वो जिस चीज़ पर टिका रखा है हमने, अगर उसके बोल्ट को हम लूज़ छोड़ देंगे, हल्का सा भी लूज़ रहेंगे, तो जब हम एक्सेलेटर उसका लेंगे तो गाड़ी की जो पावर है वो बढ़ेगी और गाड़ी के अंदर जो कंपन है बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो जिस पर टिका हुआ है वो लूज़ होगा तो ऑटोमेटिक उसका जो स्पेस है उसको वाइब्रेशन पैदा करेगा, और वो जो वाइब्रेशन करेगा पैदा तो आपकी गाड़ी पूरी की पूरी वाइब्रेट करेगी। आप उसके ऊपर बैठे रहोगे तो भी आपकी गाड़ी वाइब्रेट करेगी। रीज़न, क्योंकि जो हैंडल है उस हैंडल पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। ठीक है, अब इतना बड़ा इंजन अगर उसको हम टाइट कर देंगे तो गाड़ी की जो वाइब्रेशन है वहीं ख़त्म हो जाएगी टाइट करती है। आपने नोटिस भी किया होगा काफ़ी सारी बाइकें होती हैं जिनके अंदर फाउंडेशन के हेड के ऊपर एक बोल्ट होता है, 12 नंबर की पत्ती होती है, उस 12 नंबर की पत्ती के अंदर एक रबड़ का बुश लगा होता है, अगर बुश कट जाएगा तो भी आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करेगी। रीज़न, रबड़ तो कट गई, अब उसके अंदर एक लोहे का बुश है, वो बुश पे आपने जो है बोल्ट टाइट कर रखा है, फिर भी आपकी गाड़ी जो है प्रॉपर टाइट नहीं होती है। हमें प्रॉपरली टाइट करने के लिए वो बस चेंज करना पड़ता है या वो रबड़ चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप कभी भी अपनी गाड़ी की वाइब्रेशन से परेशान है, बाइक के अंदर है, तो आप अपनी गाड़ी के इंजन के फाउंडेशन के बोर्ड जरूर चेक करें। ठीक है, नहीं तो आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करेगी। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें फूक गई हैं, ख़राब हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, पिकअप नहीं आ रहा है, तो भी आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करेगी। रीज़न, आप जब रेस दोगे गाड़ी में तो एक्चुअली में होगा क्या, गाड़ी की रेस बढ़ेगी, पिकअप उसका नहीं आएगा। देखो, जिस हिसाब से रेस बढ़ेगी उस हिसाब से अगर पिकअप ना आए तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, रेस ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि गाड़ी का इंजन भाग नहीं रहा है, भागने के अकॉर्डिंग नहीं है, बस रेस को पैदा कर रहा है, रेस को बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसकी जो पिकअप है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वापस की गाड़ी वाइब्रेशन करेगी। तो अपनी गाड़ी की क्लच पेड अगर ख़राब है तो वो डलवाएं, और अगर आपकी गाड़ी के टैपेट अगर टाइट है तो भी आपकी गाड़ी वाइब्रेशन कर सकती है। रीज़न 1% है करने का, टैपेट टाइट होने से। वैसे आपको मैं बता दूंगा, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे टैपेट ही आ रहा हूँ, बता दूंगा क्या होता है, बट आपको मैं बता देता हूँ ये 3-4 चीज़ें आप जरूर चेक कर लें, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है टैपेट से, और सब टैपेट से ज़्यादा फर्क पड़ता है इंजन के बोल्ट पे, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजन के बोल्ट हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें, और हम बात करते हैं आप दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है हमारा बबलिंग, अगर गाड़ी आपकी बबलिंग कर रही है तो उसका रीज़न क्या है, बबलिंग क्यों कर रही है। देखो, कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता जो बबलिंग करती है गाड़ी। देखो, पहला रीज़न हमारा ये है कि अगर गाड़ी की हमारी टायर की लाइनिंग आउट हो जाएगी, टायर की लाइनिंग अगर वो आउट हो जाएगी तो आपकी गाड़ी बबलिंग करेगी। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी की जो तिल्लियाँ हैं वो लूज़ हो जाएंगी तो गाड़ी आपकी बबलिंग जो करेगी।
ठीक है, अगर आपकी गाड़ी किसी गड्ढे में गई है और एकदम से आपकी गाड़ी का एलेवल साइड से बैंड हो गया है तो भी आपकी गाड़ी बबलिंग करेगी। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं क्या करना है आपको। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का कॉन्सेप्ट खराब है, कॉन्सेप्ट मतलब हैंडल, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके ये दोनों शोल्डर जो है पेन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हो, बहुत हार्डली महसूस हो रहा है आपको, स्मूथनेस नहीं है नजर आ रही है, तो भी आपकी गाड़ी वाइब्रेशन बबलिंग करेगी। बबलिंग इन द सेंस जब भी ओवरटेक करोगे आप तो आपको डर लगेगा कि मेरी गाड़ी गिर ना जाए, अनबैलेंस होगी गाड़ी आपकी। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी के पीछे के स्विम आर्म के बुश यानी झूले के बुश खराब हो गए होंगे, ठीक है, तो भी आपकी गाड़ी बबलिंग करेगी। अगर आपकी गाड़ी के दोनों टायरों में हवा कम होगी तो भी गाड़ी आपकी बबलिंग करेगी। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको पता लग सके कि बबलिंग के रीजन क्या होता है, बबलिंग के कारण आखिर होते क्या है। ठीक है, अगर मान के चलो आपकी गाड़ी का पीछे का सोकर खराब हो गया और आप गाड़ी चलाए जा रहे हो चलाए जा रहे हो चलाए जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी का जो पीछे का टायर है वो एक साइड से घिसेगा, दूसरी साइड से बहुत कम घिसेगा, तो भी आपकी गाड़ी कुछ दिनों बाद बबलिंग करने लग जाएगी। ऐसा होता है कभी कभी हम सोकर डलवा लेते हैं कुछ पैसा आने के बाद, बट हम टायर पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी हमारी बबलिंग होती है और हम सोचते हैं यार हमने सोकर तो डलवा लिया, बबलिंग क्यों कर रही है। फिर होता ये है कि हम जब सोकर डलवाने पे आते हैं तो उससे पहले जितना हमने चलाया गाड़ी को उतने टाइम हमारा टायर जो है घिस चुका होता है एक साइड से, सिंगल साइड से, ठीक है, ज़्यादा घिसता है और दूसरी साइड से कम घिसता है, जिसके कारण हमारी गाड़ी बबलिंग करती है। बबलिंग का रीज़न यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, अगर छोटा मोटा कुछ होगा तो होगा, बाकी मेरी नज़र में तो यही है। और अगर आपको ये सही करना है तो आपको क्या करना होगा, तिल्लियाँ लूज हो गई हैं किसी भी जाके रिंग वाले पे आप जाके टाइट करा सकते हो, वो आपसे 150 मिलेगा, आपकी तिल्लियों को सही कर देगा, बबलिंग आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट खराब हो गया है तो अपनी गाड़ी में पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट डलवाएं, गोली छर्रे फर्रे ना डलवाएं, ताकि आपकी गाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग लाइफ चल सके। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी में पीछे की वो जो मतलब टायर जो है उसकी लाइनिंग आउट हो गई है तो अपनी गाड़ी के टायर की लाइनिंग मिलवा लें, अपनी गाड़ी में आगे का 25 की हवा रखें 25 और पीछे 35 हवा रखें, चाहे बंदे कितने बैठा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे 35, 33 से 35, आगे 22 से 25। ठीक है, क्योंकि एक ट्रैक्टर भी होता है ना, बड़ा वाला ट्रैक्टर जिसे माल होते हैं उसमें भी 30 है या 25 हवा होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और अगर हम बात करें पीछे के सोकर की, तो भाई पीछे के सोकर भरना, आप क्या सोच रहे हो पीछे के सोकर भर जाते हैं? नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ पीछे का सोकर नहीं भरते हैं, नहीं भरते हैं, रीज़न ही नहीं है भरने का। जो बंदा आपको ये बोल रहा है कि मैं सोकर को भर दूंगा, अगर वो अंदर सोकर का हाइड्रोलिक पंप चेंज कर रहा है तो ठीक है, भर देगा वो। अगर वो नीचे पीछे अंदर देखो, पीछे के सोकर में एक हाइड्रोलिक पंप होता है, अगर वो नहीं चेंज कर रहा है उसको, तो वो एक्चुअली में सोकर भर नहीं रहा है, वो सोकर को बस जुगाड़ करके दे रहा है आपको और आपसे कुछ पैसे ले रहा है। एक्चुअली में जुगाड़ होता क्या है, देखो सोकर जब पीछे का खराब हो जाता है तो उसके अंदर का जो हाइड्रोलिक पंप होता है जिसमें ऑयल भरा होता है वो लीकेज हो जाता है और वो सील्ड होता है, वो खुलता नहीं है, जहाँ तक मेरा आइडिया को, मैं सोकर पीछे का रिपेयर नहीं करता हूँ, ये जुगाड़बाजी होती है। ठीक है, तो वो नहीं डलता है उस टाइम पे। अगर आपको समझना है उस चीज़ को, बारीकी समझा देता हूँ मैं, पीछे का जब सोकर खराब हो जाता है तो उसका हाइड्रोलिक काम करना बंद कर देता है, उसकी स्प्रिंग काम करने लग जाती है। स्प्रिंग कभी भी खराब नहीं होती है, आपको पता होगा, टूट जाती है पर खराब नहीं होती है। जब पीछे का हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो जब हमारी गाड़ी गड्ढे में जाके दबती है तो स्प्रिंग दबती है, हाइड्रोलिक तो खराब हो चुका है ना, उसका हाइड्रोलिक पंप तो खराब हो चुका है, आपने देखा भी होगा पीछे के सोकर में से ऑयल निकल जाता है बाहर। तो एक्चुअली में जो ऑयल होता है वो हाइड्रोलिक का होता है। जिस दिन आपकी गाड़ी के सोकरों में से पीछे से ऑयल निकल जाए, समझ जाना आपकी गाड़ी के सोकर बेकार हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। बेशक आपकी गाड़ी के सोकर सही काम कर रहे हैं उस टाइम, वो रीज़न सही काम करने का ये होता है कि प्रॉपर उनका ऑयल अभी नहीं निकला है, धीरे 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 जैसे निकलता जाएगा वैसे आपके सोकर खराब हो जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी के पीछे का एक सोकर खराब हुआ है, एक सही है, वैसे अगर आप चाहो तो एक सोकर डलवा सकते हो, बट मेरी राय तो यही रहेगी कि दोनों एक साथ डलवाओ, दोनों एक साथ डलवाओ, एक ना डलवाओ। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ जो है बबलिंग से रिलेटेड थी, मैंने आपको बहुत डीप में बता दिया है, आप समझ सकते हो इस चीज़ के बारे में, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मतलब जो है आपको बताया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अच्छे से समझ गए होंगे इस बारे में। और हमारा दूसरा टॉपिक है हमारा भाई कैसे पता, एक बंदे ने मैं कमेंट करके बताया था भाई कैसे पता करें कि आपकी गाड़ी के टायर लूज हैं या टाइट हैं। तो भाई मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपकी गाड़ी मार के चलो, तो आपने गाड़ी की चाबी स्टार्ट करी और स्टार्ट करके आपने बिना रेस दिए गाड़ी को छोड़ दिया, खड़ी कर दी, अब आपकी गाड़ी हो गई बंद। तो वहाँ पर दो रीज़न होंगे, पहला रीज़न ये होगा कि आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग आउट हो गई, या फिर मतलब पहला रीज़न ये होगा ट्यूनिंग आउट हो गई, या फिर आपकी गाड़ी का जो क्या बोलते हैं टैपेट है वो लूज होगा, मतलब सॉरी टैपेट टाइट होगा। ठीक है, ये रीज़न होगा। अब आप दोबारा समझाता हूँ इसको, वहाँ पर दो रीज़न होंगे, पहला बंद होने का, टैपेट टाइट होने पर गाड़ी बंद होती है, स्लो में सेट नहीं हो पाती है गाड़ी, और दूसरा आपकी गाड़ी के स्लो जेड में कचरा हो या ट्यूनिंग आउट हो तो भी आपकी गाड़ी स्लो में
सही नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों को चेक करना है। सबसे पहली चीज ट्यूनिंग करनी है, ठीक है। अगर ट्यूनिंग प्रॉपरली हो पा रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रही है तो उसका मतलब आपको टैपेट भी चेक करने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी गाड़ी का कार्बोरेटर बहुत गंदा, कहीं ऐसा तो नहीं है, देखो भाई कार्बोरेटर खोलने से पहले टैपेट जरूर चेक कर लें। कार्बोरेटर में लगेगा टाइम, टैपेट में लगेगा बहुत कम समय। टैपेट अगर लूज हो जाएंगे, टैपेट कौन सा वाला लूज हो, मतलब टैपेट अगर टाइट हो जाएंगे, कौन सा वाला टैपेट टाइट होगा, आपका इनलेट वाला टैपेट टाइट होगा। अगर इनलेट वाला टैपेट टाइट हो जाएगा कार्बोरेटर साइड का, तो आपकी गाड़ी स्लो में सेट हो ही नहीं सकती। अगर होगी तो पिकअप बिल्कुल भी नहीं आएगा, गाड़ी दबेगी, खिंचाव लेगी। तो इसके टैपेट को इस हिसाब से रखें लूज कि उसमें साइड प्ले इस हिसाब से रहे कि आपकी गाड़ी के टैपेट गर्म होने पर टाइट भी ना हो और ठंडी होने पर गाड़ी के टैपेट ज़्यादा आवाज़ भी ना करें, ठीक है। मतलब गर्म होने पर और ना ही ठंडा होने पर आवाज़ करें, इस हिसाब से करना। वो गाड़ी पर डिपेंड करता है आपको गाड़ी किस तरीके की, यामा गाड़ी है तो 0.09 और 0.011। अगर नॉर्मल होंडा वोंडा की गाड़ी है या फिर मतलब मान लो हीरो होंडा स्प्लेंडर है तो 0.5 0.7, इस तरीके से अपने टैपेट का रख सकते हो। इनलेट थोड़ा सा ज़्यादा लूज और एग्जॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा टाइट, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं कंपनी ने बोल रखा है इनलेट थोड़ा सा ज़्यादा टाइट और एग्जॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लूज रखो, बट मैं उल्टा बोलता हूँ सीन, क्योंकि मैंने देखा यार काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो होती हैं वो इनलेट जल्दी ज़्यादा टाइट हो जाता है और एग्जॉस्ट थोड़ा सा कम टाइम लगाता है टाइट होने में लोकल रफ एरिया में, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें अपनी गाड़ी के टैपेट का, टैपेट टाइट करें तो इस हिसाब से करें, आपकी गाड़ी स्लो में सेट ना हो, मतलब स्लो में परेशान ना करें, और गाड़ी में जब रेस दो तो टिक टिक आवाज़ ना आए, टिक टिक आवाज़ ना आए, ठीक है। टिक टिक आवाज़ टैपेट की ही होती है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला था, जो हमारा जो सोकर का जो ऑयल वो मतलब कूलर था, वो कूलर मुझे चाहिए था। तो भाई जिसको कूलर चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे बताना, मेरे किसी पोस्ट में कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा, जिसको चाहिए किस तरीके से मिलेगा बता दूंगा, कूरियर करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग और कितने का बता दूंगा ये बात भी। ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।